नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं JVVNL हेल्पर 2 के एग्ज़ाम के सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए थे। सभी प्रश्न आप वीडियो में आगे आप देख सकते हैं। पहली शिफ्ट के में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उससे संबंधित वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया था। वीडियो के आने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन हम सही जानकारी सही प्रश्न आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। और थोड़ा सा शोर इस वीडियो में आपको मिल सकता है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न JVVNL हेल्पर के एग्ज़ाम में आज पूछे गए। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आमेर का किला राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में ये आमेर का किला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए, 2018 चुनाव में अशोक गहलोत ने किस सीट से चुनाव लड़ा था? तो यानी कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा एमएलए के लिए? तो ये सरदारपुरा क्षेत्र जोधपुर में ये स्थित है। तो यहाँ से अशोक गहलोत ने चुनाव लड़ा और जो वर्तमान में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए हैं, चुने गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए, मैथ्स में आपसे सेकेंड शिफ्ट में बोर्ड मास से 3 प्रश्न मैथ्स के पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से करके जाएं, क्योंकि आप देखिए जो शिफ्ट में जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा वही आगे के जो एग्ज़ाम होंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम, उनमें ही विद्यार्थियों से वही पैटर्न के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो जिन जिन टॉपिक से सवाल बन रहे हैं उन टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि आगे आने वाले जो विद्यार्थियों का एग्ज़ाम है आगे आने वाली डेट में, तो वहाँ इन प्रश्नों के इन टॉपिक्स से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन आप देखिए, हिंदी में कर्मवाच्य से 3 से 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, सबसे लंबा नेशनल हाईवे यानी कि राजस्थान में सबसे लंबा NH कौन सा है? तो यहाँ पर है ये हमारा NH 15, सभी जानते हैं, जो कि पठानकोट से प्रारंभ होता है और राजस्थान में प्रवेश करता है। वीडियो में थोड़ा सा आपको शोर मिलेगा, इस वीडियो में आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। अगला प्रश्न आप देखिए, चांद बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? ये प्रश्न एग्ज़ाम में काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये आभानेरी दोसा रहेगा चांद बावड़ी, और ये प्रश्न काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखें। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि रबी की फसल कौन सी नहीं है, ऑप्शन हमारे पास इसके उपलब्ध नहीं है। तो 4 में से जो 3 ऑप्शन थे वो रबी की फसल को लेकर थे, और एक ऑप्शन होगा जो खरीफ की फसल को लेकर होगा। तो इस तरह से रबी की फसलें खरीफ की फसलें आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाएं, आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से प्रश्न मिल सकता है। गद्यांश पूछा गया था, 5 प्रश्न पूछे गए थे। साइंस में आप देखिए, न्यूटन के नियम से संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो इस टॉपिक को भी आप तैयार कर लें। उसके बाद अलवर की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर 1760 में अलवर की स्थापना की गई थी। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करें, ताकि बाकी विद्यार्थियों तक भी हमारा ये वीडियो पहुंच सके। राजस्थान में कांठल की गंगा के उपनाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो यहाँ पर है माही नदी। अगला प्रश्न आपसे, राजस्थान के कौन से पशु को रेगिस्तान का फ्रीज कहा जाता है, चलता फिरता फ्रीज? तो यहाँ पर बकरी को कहा जाता है। और यहाँ पर अगला प्रश्न आप देखिए, केला देवी किस राजवंश की कुल देवी है? तो ये यादव राजवंश की कुल देवी है केला देवी, करौली में इनका मंदिर है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो कि हीरालाल शास्त्री हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? हम सभी जानते हैं राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, और झालावाड़ में ये सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़, ये सभी दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आते हैं। राजस्थान के कौन से जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है? तो पाली की 8 जिलों से सीमा लगती है, आप सभी जानते हैं, तो पाली यहाँ पर सही उत्तर होगा। 1947 में बीकानेर का शासक कौन था? बीकानेर, तो यहाँ पर है शार्दुल सिंह, यहाँ पर बीकानेर का शासक था उस समय। खेराबाद दुर्ग जो कि सिवाना के दुर्ग को कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ आप नोट करें, दिवस से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको आप याद करके तैयार करके जाएं।
जैसलमेर की स्थापना कौन से सन में की गई है? तो 1156 में जैसलमेर की स्थापना की गई है। और पहली पारी में जो आज भी आप देख सकते हैं, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर ये 1920 में की गई है। उसके बाद मुख्य सचिव की नियुक्ति राजस्थान में कौन करता है? तो यहाँ पर CM मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर हिंदी में सज्जल का विलोम पूछा गया है एग्ज़ाम में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से संबंधित क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में। उसके बाद आगे आप देखिए, ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये जोहड़ बीड़ बीकानेर में ये ऊँट अनुसंधान केंद्र स्थित है। अब यहाँ पर आप देखिए, अब जैसे इस पारी में ऊँट का पूछा गया है तो आपसे बकरी का पूछा जा सकता है, भेड़ का पूछा जा सकता है, भैंस का पूछा जा सकता है, उनको आप तैयार करें। अगला क्वेश्चन आप देखिए, राजस्थान हथकरघा उद्योग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि ऑप्शन हमारे पास नहीं है इसके। तो जिस विद्यार्थी को भी इसकी ऑप्शन पता हो, आंसर पता हो, कमेंट जरूर करें। राजस्थान का राज्य पशु, काफ़ी इजी प्रश्न ये पूछा गया था। उसके बाद सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी कौन से पेड़ पर रहती है? तो पेड़ का नाम एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, झुंझुनू जिला कौन सी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो यहाँ पर आप देखिए, ये राजस्थान का मैप है, झुंझुनू लगभग यहाँ आता है, तो ये हरियाणा के नज़दीक है। उसके बाद हिंदी से संबंधित प्रश्न, दुख का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है एग्ज़ाम में। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा की लंबाई यहाँ पर पूछी गई है। और यहाँ पर अगला प्रश्न आप देखिए, जाखम की सहायक नदी, तो यहाँ पर माही इसकी सहायक नदी है जाखम की। ब्लू पोल्ट्री से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था ये हमें नहीं पता है, लेकिन ब्लू पोल्ट्री से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो जिन जिन विद्यार्थियों का भी आज पेपर था सेकेंड शिफ्ट में, इनके अलावा अगर कोई भी प्रश्न रहता है तो कमेंट करके आप जरूर बताएं सभी को। इंग्लिश का क्वेश्चन आप देखिए, स्किन के डॉक्टर को क्या कहते हैं? इंग्लिश में वन वर्ड का ये प्रश्न पूछा गया है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के डॉक्टर को हम एक शब्द में ये कहते हैं। कौन सा राज्य राजस्थान को नहीं छूता है? अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पंजाब छूता है, यहाँ हमारा UP छूता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ हमारा गुजरात, तो ये जो छूने वाले राज्य हैं उनका नाम आप ध्यान रखें, जो राज्य नहीं छूता उत्तर पे हम आराम से पहुँच सकते हैं, ऑप्शन हमारे पास इसके अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आगे आप देखिए, सावन भादो कढ़ाइयाँ जो कि बीकानेर में है, आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइबोसोम, साइंस का क्वेश्चन ये पूछा गया था। काला संगमरमर राजस्थान में कहाँ से निकलता है? तो ये भेसलाना, जयपुर से ये संगमरमर निकलता है, काले रंग का होता है। गंग नहर से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। स्वर्ण की पर्यायवाची शब्द एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, मथेरण कला का संबंध राजस्थान में कहाँ से है? बीकानेर में है, बीकानेर से इसका संबंध है। चेलावास का युद्ध जो कि ये 1857 की क्रांति से इसका संबंध है, सितंबर में ये युद्ध हुआ था, इसको काला गोरा का युद्ध भी इसको कहा जाता है। जोधपुर की स्थापना कब की गई थी? 1459 में ये स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर आप देखिए, राजस्थान के उत्तर दिशा में कौन सा जिला आता है? तो यहाँ पर राजस्थान के उत्तर, ये राजस्थान का मैप है और हमारे यहाँ पर उत्तर में गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। तो ये सेकेंड शिफ्ट के जो प्रश्न हमें मिले हैं विद्यार्थियों के द्वारा, इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं और इनके आधार पर आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर था। थर्ड शिफ्ट के जैसे ही क्वेश्चन हमें मिलते हैं चैनल पर, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर जरूर।